Hi friends, how are you all? Welcome back to Empower. I hope you and your family are keeping safe and doing well. Friends, पिछले दिनों कोविड के चलते हम सभी ने सर्वाइवल के लिए बहुत बहुत स्ट्रगल की, लेकिन हम में से बहुतों ने कोविड से बहुत कुछ सीखा भी, लेकिन हम में से बहुत कम ही ऐसे हैं जिन्होंने कोविड से मिली लर्निंग्स पे अमल किया और कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश की जिससे ह्यूमैनिटी का भला हो, सबका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो। तो आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं लोगों के बारे में, उनके एफर्ट्स के बारे में और उनकी क्रिएशंस के बारे में। तो सबसे पहली बात जो कोविड ने हमें सिखाई वो ये कि हमारी लाइफ कितनी वैल्यूएबल है, कितनी प्रेशियस है और हमें लाइफ के एक एक पल को बहुत ही खूबसूरती के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, हर रोज़ सेलिब्रेट करना चाहिए। लाइफ अपने आप में किसी त्यौहार से कम नहीं है। और जब बात त्यौहारों की हो, फेस्टिवल्स की हो, रीति रिवाजों की हो, रिचुअल्स की हो, कस्टम्स की हो, तो हम इंडियन से ज़्यादा जोश आखिर किस में है। लेकिन यहाँ बात हो रही है कुछ अलग हट के सेलिब्रेट करने की। जी हाँ, यहाँ पे बात ऊपरी से सजावट की नहीं, बल्कि कुछ ऐसा क्रिएट करके लाइफ को सेलिब्रेट करने की है जिससे सभी के दिल को सुकून मिले, जिससे हमारे खुद के मन को सुकून मिले। तो हमारे चैनल एम्पावर की इंस्पिरेशन से हमारे कुछ एम्पावर फैमिली मेम्बर्स और उनके बच्चों ने एक नए कस्टम की, एक नई रीत की, एक नई रस्म की शुरुआत की। जिस तरह से आज केक्स, मिठाइयाँ और लाइट्स हमारी हर सेलिब्रेशन का हिस्सा है, बिल्कुल उसी तरह से हमने अपनी हर सेलिब्रेशन का हिस्सा बनाया पौधों को। जी हाँ, प्लांट्स को। चाहे घर में कोई भी बर्थडे हो, वेडिंग एनिवर्सरी हो, या घर में कोई नया सदस्य ही क्यों ना जुड़ा हो, घर में कोई न्यू बर्थ ही क्यों ना हुआ हो, हमने हर खास मौके पर एक पौधा लगाकर उस मौके को और भी ज़्यादा खास बनाया। हर खास इवेंट पे उस इवेंट के नाम के साथ लेबल किया हुआ पौधा आपके उस मोमेंट को इतना यादगार बना देता है, आगे जाकर जब आप उस पौधे के फल या फूल यूज़ करते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं, तो आपको एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि आपने कुछ क्रिएट किया था जिसका रिवॉर्ड आज आपको मिल रहा है। वो जो खास मोमेंट थी आपकी, वो आपको याद आ जाती है, उसके साथ जुड़ी हुई बहुत प्यारी सी यादें आपकी आंखों के आगे आ जाती हैं, आपको याद आ जाती हैं, एंड इट मेक्स योर डे वेरी स्पेशल। इवन कोविड के चलते हमारे जो अपने हमें छोड़कर चले गए, अचानक से हमारे जो अपने हमारे बीच नहीं रहे, उनके नाम से भी एम्पावर फैमिली मेम्बर्स ने अपने घर में एक एक सेक्रेट प्लांट लगाया, एक एक पवित्र पौधा लगाया और रोज़ शाम उस पौधे के आगे दिया जलाकर हम अपने लोगों को जो अब हमारे बीच में नहीं है, उनको अपना प्यार भेजते हैं, अपना नमन भेजते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स भेजते हैं। तो है ना, एक बहुत ही प्यारी सी रस्म, एक बहुत ही प्यारा सा कस्टम। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कोविड ने हमें सिखाई वो ये कि सही टाइम पर सही डिसीजन और उससे रिलेटेड सही एक्शन लेना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जिस टाइम कोविड पीक पे था, उस टाइम हम सब ने रियलाइज़ किया कि इंसान की वजह से नेचर को, प्रकृति को कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचा है और इस नुकसान की भरपाई जो है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है अनटिल एंड अनलेस हम इससे रिलेटेड कोई एक्शन नहीं लेते। लेकिन एक्शन से भी पहले इम्पॉर्टेंट था कि जो लोग भी कोविड के ड्यूरिंग सफ़र कर रहे थे, हमें उनकी हेल्प करना बनता था, ताकि हम सब मिलजुल कर नेचर को रिपेयर करने के लिए कोई ना कोई एक्शन ले सके। कोविड के टाइम हमने इस बार ऐसा सिनेरियो देखा कि बड़े तो बड़े, बच्चों की लाइफ भी बिल्कुल चेंज हो गई। जहाँ बड़ों के चेहरे छिपे शील्ड्स के पीछे, तो बच्चों की मुस्कान छिपी मास्क के पीछे। बच्चों का स्कूल जाना बंद, पार्क जाना बंद, फ्रेंड से मिलना बंद, सब कुछ बंद, लेकिन बच्चों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही अच्छे से निभाई। बच्चों ने हमारे साथ हर तरह से एडजस्ट किया, सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस अपनाए, कोई कंप्लेंट नहीं की, घर के बाहर नहीं गए, बाहर का फूड नहीं कंज्यूम किया, हर तरह से हमारा साथ दिया, क्योंकि बच्चे वो बात समझ गए थे जो हम बड़े नहीं समझ पाए। बच्चों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की, हमारा साथ देकर अपना ध्यान रखी, लेकिन हम बड़े कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने में चूक गए। हमने ना तो हरियाली बढ़ाने की तरफ ध्यान दिया, ना ही हम लोगों ने अपना प्रॉपर ध्यान दिया, क्योंकि जैसे कि देखा जा रहा है कोविड की थर्ड वेव अब जब एक्सपेक्टेड है, तो हमें से बहुत सारे लोग बिना मास्क के खुलेआम मार्केट में और क्राउडेड प्लेसेस में घूम रहे हैं। इवन बहुत सारे लोग विद फैमिली, विदाउट मास्क, विदाउट एनी सेफ्टी प्रिकॉशंस आउट ऑफ स्टेशन घूमने गए हुए हैं, वेकेशंस के लिए गए हुए हैं। तीसरा, हमें से ज़्यादातरों ने किसी ज़रूरतमंद की कोई हेल्प नहीं की ड्यूरिंग कोविड। जिन भी लोगों ने कोविड के दौरान किसी एक भी ज़रूरतमंद इंसान की हेल्प की, उन सभी को एम्पावर की तरफ से हैट्स ऑफ,
एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि एम्पावर फैमिली और उनके किड्स जो हैं उन्होंने इस दौरान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी और उन्होंने बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों को चैरिटी करने की कोशिश की ऑन अ स्मॉल लेवल और अ लार्जर लेवल। जब कोविड पीक पर था उस टाइम हम लोगों का बाहर जाना बंद हो गया था, लेकिन एम्पावर फैमिली मेम्बर्स ने समाज सेवी संस्थाओं को कॉन्टैक्ट करके उनको फाइनेंशियल हेल्प करने की कोशिश की। वहीं उनके बच्चों ने पशु पक्षियों को साफ खाना और साफ पानी देकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने की कोशिश की, निभाने की कोशिश की, हर रोज़ कुछ ऐसा करने की कोशिश की जिससे किसी न किसी के दिल से निकले कि लाइफ इज़ गुड। तो हुआ ना ये एक बहुत ही प्यारा सा स्वीट सा तरीका धरती माँ को और ईश्वर को थैंक यू बोलने का कि उन्होंने हमें ये लाइफ दी, हमें कुछ और सांसें दी जिससे कि हम वो सब काम कर सकें जिनके लिए हम इस धरती पर आए हैं। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो कोविड ने हमें सिखाई वो ये कि लाइफ हमें हर मोड पर एक चॉइस देती है और हमें लाइफ में वही मिलता है जो हम अपने लिए चुनते हैं, और ना ही सिर्फ चुनते हैं बल्कि टाइम रहते उससे रिलेटेड सही एक्शन भी ले लेते हैं। अभी चॉइस किसी भी चीज़ की हो सकती है, चॉइस हो सकती है एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने की या फिर अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए रिस्क चुनने की। और चाहे हम कुछ भी चुनें, हमें आज नहीं तो कल वही मिलने वाला है जो हम आज अपने लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लम बस ये है कि सब कुछ जानते समझते हुए भी, सारी अवेयरनेस होते हुए भी हम कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। जब बात हाथ से बाहर चली जाती है, जब कोविड की सिचुएशन पीक पर चली गई या जब कोई भी सिचुएशन हमारी रीच में नहीं रहती, तब हम सोशल मीडिया पर पोस्ट अपलोड करते जाते हैं कि ईश्वर हमसे नाराज़ हो गए हैं, प्रकृति हमसे नाराज़ है। लेकिन हमने एक्शन क्या लिया प्रकृति को मनाने के लिए, प्रकृति को रिपेयर करने के लिए, जो हमने उसे नुकसान पहुंचाया है उस नुकसान की भरपाई करने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने क्या एक्शन लिया। एम्पावर की इंस्पिरेशन से एम्पावर फैमिली के मेम्बर्स और उनके किड्स ने ये बात समझी कि जब इस तरह से मैसिवली कोई इश्यूज़ आते हैं जैसे कि पैंडेमिक हो गए, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो इसका मतलब ये होता है कि प्रकृति का एक सिग्नल है कि कहीं कुछ बहुत गलत चल रहा है जिसे रोकने की ज़रूरत है, जिसके बारे में एक्शन लेने की ज़रूरत है, जिसके बारे में एक्शन लेने का वक्त अब आ चुका है। तो हमने खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए एक एक्शन लिया, हमने योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन को अपनाने के साथ साथ ही उसको प्रमोट करने का भी काम किया, लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश की सो दैट सभी फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हील हो सके और हेल्दी रह सके। सो आइए लेट्स हैव अ ग्लिम्स ऑफ द पिक्चर्स एंड वीडियोस जो हमारे एम्पावर फैमिली मेम्बर्स और उनके बच्चों ने, हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमारे साथ शेयर किया, और इस वीडियो के जरिए उन्होंने सभी को इंस्पायर करने के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। Hi guys, on every birthday of mine I plant a tree. So on my last birthday I planted this palm. So it's my birthday again and I'm planting some seeds. So I've planted tomato seeds in this one, capsicum seeds in this, and coriander seeds in this one, and now I'm planting some floral seeds in this. Thank you.
home. On my mother's birthday, I planted this tree, and we have decided that on everyone's birthday, we will plant a new tree so there is oxygen to breathe and live happily. Thank you. We must plant trees. Plants are our friends. Plants give us fruits, give us vegetables and flowers. Keep planting, Bible. चाहे एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड, आज हम सभी इतने अवेयर हैं कि हम सब जानते हैं कि ये सिचुएशन हमसे क्या मांग कर रही है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द सिचुएशन, वक्त हमें क्या इशारा दे रहा है। प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि हम सभी को अपनी लाइफ में, इस एनवायरनमेंट में चेंजेस चाहिए, इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, लेकिन जब एक्शन लेने का टाइम आता है तो हमें से कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहता है, चाहे वो अपनी अच्छाई के लिए हो या प्रकृति के भलाई के लिए। हमें से कोई भी एक्शन लेने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहता। जब ये एक्शन लेने की बात आती है, हम सब चाहते हैं कि कोई आए और हमें इंस्पायर करे, कोई आए और हमें कन्विंस करे कि प्लीज़ ये काम कर लीजिए, और तब हम अपनी मर्जी से उनको रिप्लाई देंगे। हम दूसरों का मुंह देखने लगते हैं जब भी आगे बढ़कर कोई स्टेप लेने की बात होती है। पर फ्रेंड्स, हम सब इसी दुनिया का हिस्सा हैं, हम सब इसी दुनिया की हवा में सांस लेते हैं, हम सब एक ही एनर्जी से चलते हैं। तो क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये किसी एक ही पर्सन की या कुछ स्पेसिफिक लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आए और आपको कन्विंस करें? ये ट्रांसफॉर्मेशंस, ये चेंजेस, ये इम्प्रूवमेंट्स किसी स्पेसिफिक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ना ही किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम सभी की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एटलीस्ट हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ही सकते हैं, हम इतना तो देख ही सकते हैं कि हमारे वेलबींग के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम पर मुसीबत आती है ना, तो उसका सामना हमें खुद अकेले ही करना पड़ता है, कोई जाकर भी हमारी पूरी तरह से मदद नहीं कर सकता, और ये बात भी हमें कोविड ने बहुत अच्छी तरह से समझाई है। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स टेक द रिक्वायर्ड एक्शंस, लेट्स मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस, लेट्स इनकरेज न्यू वर्ल्ड, न्यू लाइफस्टाइल, न्यू कस्टम्स। और ये सिर्फ कोई टैगलाइन नहीं, ये वक्त का इशारा है। दिस इज द नीड ऑफ द आवर गाइस, एंड इट्स हाई टाइम टू टेक द एक्शन। ऑन बिहाफ ऑफ एम्पावर, आई मिताली थैंक everyone who have contributed by sharing their pics and videos and helped us in this mission of ours, so that we'll be able to inspire many more lives. आपके ऐसे प्यारे प्यारे videos हमेशा empower में invited है, हमेशा आपका स्वागत है empower में। And to those who have not been able to contribute in our mission, big thanks to you all for watching the video, for always supporting, encouraging and motivating us. Please share this video with your family and friends, with your loved ones and close ones if you liked it, if you feel that this video is deserving to be shared. Lots of bliss, peace, light and healing to you all. With regards from Empower, Mission Pradeepta, Enlightening Lives. New world, new lifestyle, new customs. New world.